हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं दो चीज़ें अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, जिसमें पहला मेरे पास एक ज्वेलरी है जो कि मैं अमेजोन से मंगाई हूँ, और दूसरा अमेजोन का ही एक साड़ी है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। मुझे सीता माँ का लुक करना है, यानी सीता माता बनना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऐसा ऑरेंज कलर की साड़ी मैंने मंगाई है, जो एकदम परफेक्ट है। जैसे सीता माँ जंगलों में रहा करती थी, एकदम सादा सिंपल वाला लुक करके वैसा ही लुक मुझे करना है। और सादा सिंपल लुक के साथ ज्वेलरी क्या रहेगी, सिंपल सही रहेगा, तो ज्वेलरी भी मैंने सिंपल सी ही ऑर्डर करी है। तो चलिए आइए इसकी अनबॉक्सिंग करके हम लोग देखते हैं साथ में। तो सबसे पहले मैं क्या अनबॉक्सिंग करूँ, सबसे पहले मुझे साड़ी अनबॉक्सिंग करना चाहिए ना, और फिर लास्ट में ज्वेलरी करती हूँ। तो फिर आप लोग बताना कि ये जो साड़ी है, साड़ी के ऊपर वो ज्वेलरी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, या कोई और मुझे ज्वेलरी ऐड करना चाहिए, या फिर ये सही है। ठीक है, तो साड़ी मुझे चाहिए था एकदम सिंपल। मैंने मीशो पे पहले सर्च किया, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे देखी, और उसके बाद लास्ट में अमेजोन पे देखी, क्योंकि अमेजोन पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। ठीक है, अब मान लेते मुझे पसंद नहीं आया, तो इसको अच्छे से फाड़ूंगी ताकि रिटर्न करना पड़ जाए। तो ये है सिद्धत टेक्सटाइल, ठीक है, और ये जॉर्जेट साड़ी है, जिसमें ब्लाउज भी मिल जा रहा है कपड़ा। तो एक तरह से प्लास्टिक मिला है, ये देखिए। और इसका जो प्राइस है वो 450 रुपये है। कपड़ा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे इसको खोल के भी देखना पड़ेगा ना कि ये कितना है कितना नहीं है। वैसे मुझे तो ये देखिए, ये नया है तो पूरा सील है, तो ये कितना अच्छा है, एक बार पूजा पाठ के भी काम आ सकता है। तो चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये साड़ी है। साड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ब्लाउज भी सेम ही है, और सीता माता का जो लुक था वो एक जैसा ऑरेंज कलर था। और साथ ही दूसरा ना कि मतलब इसका जो ब्लाउज भी है, एकदम सिंपल सा मुझे सिलवाना है, कोई डिज़ाइन नहीं, एकदम सिंपल नॉर्मल, जैसे पहले के ज़माने में लोग ब्लाउज पहना करते थे, लाइक थोड़ी सी चूनट वाली, यहाँ पे स्लीव्स, इतनी स्लीव्स होगी। वैसे स्लीव्स तो मैं इतनी ही पहनती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इतनी स्लीव्स, और इतना ही मैं बनवाऊँगी भी। तो चलिए पहले मैं आपको साड़ी दिखाना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से साड़ी है, और कितनी लंबी है आप देखते जाइए, ये इतनी सी लंबी है। देखिए कितनी लंबी है, मैं कितनी बार गिरा रही हूँ। तो इसको कौन सा कलर बोलते हैं आप लोग बताइए, इसको बोलते हैं भगवा कलर, ठीक है। तो ब्लाउज भी इसी में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ब्लाउज किधर है, साड़ी किधर है। तो कहीं से भी 80 सेंटीमीटर ब्लाउज निकल जाएगा, जो कि मुझे मतलब बन जाए, मैं अपने हिसाब से निकालूंगी कि मुझे कितना ब्लाउज का कपड़ा चाहिए। लाइक मुझे इतना तो लग ही जाएगा, इतना जो आप देख रहे हैं ना, इतना ब्लाउज में चला जाएगा, तो बाकी जो कपड़ा है वो साड़ी में जाएगा। तो लेंथ मैं नाप लेती हूँ। तो ये साड़ी जो है, एक लेंथ भी होना चाहिए कि भाई कितना लेंथ है। तो इतना पर से मैं साड़ी पहनती हूँ नाभि के पास से, और कपड़ा भी काफ़ी काफ़ी है कपड़ा, तो सही है, इतना सारा कपड़ा है। तो ये साड़ी का कलर आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। ये ऑरेंज कलर का है, यानी कि भगवा कलर, केसरिया कलर इसको बोलते हैं। और इसके लिए मैंने सोचा है कि इसका ब्लाउज सिला लूँगी, और अभी इसका ब्लाउज सिलाना है, ठीक है, कट करके एक टेलर को दे दूँगी, यानी मेरे घर के पास में ही एक लेडीज़ टेलर है, और वो मेरा मतलब सिल देंगी, ब्लाउज भी सिल देंगी, फॉल पीको सब हो जाएगा। मतलब जब तक इसमें काम मतलब बहुत ज़्यादा है, इतना सारा काम करना पड़ेगा,
जैसे दोनों तरफ से कटिंग होगी तो दोनों तरफ से पीको होगा, उसके बाद साड़ी में फॉल लगेगी। तो ये साड़ी हुई कंप्लीट। अब जो ब्लाउज की बारी है, ब्लाउज स्टिच होगा, सिंपल सा ही ब्लाउज स्टिच होगा। और उसके बाद फिर इसके साथ पेयर करने के लिए एक पेटीकोट भी लेना पड़ेगा इसका मैचिंग, या फिर कोई भी, इसमें रेड भी चल जाएगा, येलो भी चल जाएगा, थोड़ा सा अदर कलर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान का अगर, जैसे हर कुछ मैचिंग भी सही नहीं है, अगर मैचिंग नहीं मिला तो, वैसे इसका पेटीकोट तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया है और मेरे पास ऑरेंज कलर का पेटीकोट भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर की साड़ी ही नहीं है। अगर है भी तो वो काफ़ी पहले की है, जब मेरी शादी हुई थी तब की है, और 10 साल होने जा रहे हैं मेरी शादी को, और वो जो पेटीकोट है ना वो मुझे बहुत छोटी हो जाएगी, कमर ही नहीं आएगी क्योंकि पहले से मैं मोटी हो गई हूँ। तो चलिए, ये तो साड़ी की रही बात, इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ, और ये सारा ब्लाउज साड़ी बनवा करके मुझे लुक क्रिएट करना है सीता माँ का। तो आप लोग कुछ सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि और मतलब मैं क्या करूँ सीता माँ वाला लुक में, क्या क्या और ऐड करना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक और है, आप देख लीजिए, ये मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स है जो कि ये भी अमेजोन का ही है। इसका जो प्राइस है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है और इसका नाम क्या है, कैसा दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से अमेजोन की तरफ से आया है और गर्मी बहुत हो रहा है। तो आज जो तारीख है वो है 13 तारीख, और 13 सितंबर है। इतनी गर्मी लग रही है मुझे। तो ये आज ही पार्सल आया था सुबह सुबह, जैसे मैं नहा करके आई वैसे ही मुझे पूजा करने जाना था, बस वैसे ही पार्सल आ गया। तो ये पार्सल है और इसको मैं यहाँ पे ऐसे फाड़ रही हूँ और देखती हूँ कि किस तरह से ये मुझे मिला है। तो देखिए, नॉर्मल सा लुक करना है तो मोतियों की माला, मैंने बहुत सर्च की कि मोती का माला मिल जाए, तो इसमें ना मोती का ही माला है, और इसके अंदर शायद बिल भी है। देखिए, तो ये इसका बिल भी है यहाँ पे। इसका मैंने 299 रुपये पेड किया है, 299 रुपये मैंने पेड किया है। तो 299 रुपये में ये क्या क्या मुझे दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर से इसको भी यहाँ पे कट कर दूंगी, ठीक है। तो ये कट करने के बाद यहाँ पे ओपन करती हूँ, तो ओपन कर दी, ये ढक्कन हटा दी, तो इस तरह से मुझे आया है बबल गट में, और इसको भी मैं निकाल ली। तो ये कुछ इस तरह से ज्वेलरी है, मैं अभी ओपन करके भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से कुछ है, तो मुझे ये इसको चेक भी करना है कि हाँ ये सही आया है या गलत आया है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हुआ, गलत आया है, तो मैं इसको रिटर्न भी कर सकती हूँ, अभी टाइम है मेरे पास। तो ये देखिए, ये मैं ओपन कर ली, वाइट है तो उतना आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ये देखिए। तो इस तरह से इसका जो गले का है, आप देख लीजिए, ये गले का है इस तरह से, और इयररिंग्स भी मिला हुआ है। एक बार मैं भी देख लेती हूँ, आप ही को दिखा रही हूँ। हाँ, सही है, सिंपल सा सही है, और साथ में इयररिंग्स भी मैचिंग मिल गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। 299 रुपये, यानी कि 300 रुपये में ये ज्वेलरी आई है, 300 रुपये की, और ये कितनी ज़्यादा छोटी है और सिंपल भी है। तो इसके साथ ही इसको पहनना है, और हाथों में तो चूड़ियाँ सिंपल रहेंगी और नॉर्मली बिंदी रहेगी बस। तो सीता माँ का लुक के लिए ये ज्वेलरी क्या सही है, आप लोग बताइए। और तो ये दोनों मैंने अमेजोन से मंगाया है सीता माँ लुक के लिए, ज्वेलरी और प्लस में साड़ी। तो कैसी लगी आपको ये, आप लोग बताइएगा। और इस लुक के साथ आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, ये ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं इसके साथ या और भी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बड़े आराम से मेरी वीडियो देख सकें, है ना। तो चलिए, अभी आप लोग इसके लिए लाइक बटन दबा दें। बाय।